आज हम बात करने वाले हैं कारण देने वाली जिंदगी की। क्या होता है कि जब हम लोग क्या कहेंगे, LKK सिंड्रोम, या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये चक्कर में फंसे रहते हैं, तो फिर हम फुल्ली एक्सप्रेस नहीं होते। पूरी आत्मविव्यक्ति हमारी रहती नहीं है, सफरेज रहते हैं ना। लोगों के सामने हम सीधा बात करेंगे, सीधा स्ट्रेट बोलेंगे, जो हमको लगता हो बोल नहीं सकते, उसको बुरा लगेगा, अच्छा दिखेगा नहीं। और फिर होता क्या है, फिर हमको जो चाहे वो हम बोल नहीं सकते हैं। समझो मुझे किसने बोला कि कल तुम मुझे 10 बजे मिलो या ये काम करो, एक्चुअली मुझे वो काम करना नहीं है, मगर मैं उनको बोलता हाँ कर लूंगा कर लूंगा, और फिर एंड टाइम पे वो काम करता नहीं। फिर वो पूछता है कि ये काम नहीं हुआ क्या, फिर बोलता हाँ नहीं हुआ, वो क्या मैं भूल गया, फिर वो क्या वो फलाना मेरे यहाँ कोई दोस्त आ गया, फिर क्या मेरी गाड़ी खराब थी, फिर हम कारण देते हैं। तो जो लोग क्या कहेंगे, या जो है कि भाई लोग अच्छा दिखना चाहिए बुरा नहीं दिखना चाहिए, वो जिंदगी में क्या है, वो जिंदगी में एक कारण देने वाली जिंदगी हम जीते हैं। हम कारण देते हैं लोगों को, सीधी बात नहीं करेंगे और फिर उसके लिए कारण, मैंने ये काम क्यों नहीं किया क्योंकि ऐसा हो गया, मैंने ये काम क्यों नहीं किया क्योंकि ऐसा नहीं किया, मैंने ये काम क्यों नहीं किया क्योंकि ऐसा हो गया। तो हम उसको बोलते हैं कि रीजन देने वाली जिंदगी, और हम बोलते हैं कि भाई अनरीजनेबल लाइफ जियो। अनरीजनेबल लाइफ मतलब बिना कारण की जिंदगी जियो, और बिना कारण की जिंदगी मतलब ऐसा है कि आपका जो छोटी आवाज है आपकी, वो आपकी छोटी आवाज बोल रही है कि मत कर, अपने को लगता है कि नहीं करने का है, सीधा बोलने का है कि नहीं करने का है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कमिटमेंट है और इच्छा नहीं है काम करने की, छोटी आवाज बोलती है नहीं करना है, मगर आपका कमिटमेंट है, आपने वचन दिया हुआ है कि मैं करूंगा, तो आपने वचन दिया है और छोटी आवाज बोल रही है नहीं करना है, तो वो करना है, कोई कारण देने का नहीं है, क्योंकि आपने जबान दे रखी हुई। तो आपने जब जबान दिया है कि यस मैं करूंगा, तो फिर करना है, फिर छोटी आवाज बोलेंगे नहीं, हाँ जो भी कुछ बोलेंगे वो बोलने दो उसको, छोटी आवाज को, फिर आप ये करेंगे। तो उसको बोलते हैं कि आपकी छोटी आवाज बोल रही है कि मत कर, और तभी भी आप वो काम कर रहे हैं बिना रीजन का, क्योंकि आपने बोला कि मैं ये करने वाला हूं और आपके शब्द का पालन कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं हम अनरीजनेबल जिंदगी। तो फिर आप देखो कि आपके जिंदगी में कहां कहां रीजन दे रहे, कहां कहां कारण दे रहे। आप किसको भी पूछो तुमने ये किया क्या, बोलता नहीं किया, और वो लगे तुरंत बोल देंगे हाँ मैंने क्यों नहीं किया, अरे ये क्या लगा है। उसको बोलो हाँ ये क्यों नहीं किया, ये किया है क्या, बोलता नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो ऐसा हो गया। फिर आपके शब्द का क्या हो गया, आपने जो जवान दिया था उसका हुआ क्या, तो उसके बारे में फिर कोई बात नहीं करता। तो हम ये कारण देने वाली जिंदगी जिएंगे नहीं। हम जिंदगी कौन सी जिएंगे कि जो मैंने वचन दिया हुआ है, जो मैंने शब्द दिया है, वो शब्द का मैं पालन करूंगा, ना कि फिर छोटी आवाज, ना कि फिर लुकिंग गुड, अच्छा दिखना चाहिए बुरा नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं, जो मैंने जवान दिया है वहीं से ऑपरेट करूं। हो सकता है कि आपने स्ट्रेट बोल दिया, यहां स्ट्रेट बोलना नहीं चाहिए था, स्ट्रेट बोल दिया किसको दुख लगता होगा, किसको दुख लगेगा भी, वो नाराज भी होगा, मगर उसको मालूम है कि नहीं भाई ये स्ट्रेट मुंह पे बोल देता है जो बोलना है, बाद में फंसाएंगा नहीं। उसको ये मालूम है कि इसने हाँ बोल दिया मतलब हाँ और ना बोल दिया मतलब ना। तो आप एक भरोसे के आदमी बन जाते हो, आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान बन जाते हो, ऐसा इंसान कि जिसके ऊपर कोई भी विश्वास कर सकता है कि इसने हाँ बोला तो ये करेगा ही, कोई कारण देगा नहीं एंड टाइम पे, तो वो जिंदगी आप जी सकते। तो आप कुछ भी कारण देंगे नहीं, काम करने के लिए एक ही कारण रहेगा, और वो कारण कि आपने बोला है कि मैं ये करूंगा। हम बोलते हैं कारण देने वाली जिंदगी ये एकदम नीचेतम स्तर है जीवन जीने का। जब हम कारण देते हैं तो हम कुछ कहानियां बनाते हैं, कुछ स्पष्टीकरण देंगे, कुछ तो भी जजमेंट देंगे, कुछ तो भी इवेल्युएशन करेंगे, कुछ तो भी बहाना बनाएंगे, और वो काम नहीं करेंगे तो ऐसा होगा नहीं। आपने जो बताया बस वो आप करेंगे, ये जिंदगी है अनरीजनेबल।
अनरीजनेबल लाइफ, और यह संभावना से आप जी सकते हैं अपनी जिंदगी। जब आप बोलेंगे कि मैं कारण देने वाली जिंदगी जीऊंगा नहीं, तो एकदम आपके पेट में गोला आ सकता है, हाँ मैं कारण देने वाली जिंदगी जीऊंगा नहीं, ऐसा कैसा होगा? लोग इसको भी प्रेजेंट नहीं कि हम कारण देने वाली जिंदगी जी रहे, उसको भी प्रेजेंट नहीं है। बाय द वे, आपको आज ये देखना है, एक लिस्ट बनाओ कि आपने कहाँ कहाँ, आपने जबान दिया था, आपने शब्द दिया था, मगर आपने वो काम किया नहीं, आपने एक्शन लिया नहीं, आपने कृति की नहीं। तो एक लिस्ट बनाने की है, वहां देखना है कि भाई मैंने कहाँ कहाँ वो काम किया नहीं है, मैंने बोला था मैं करूँगा वो किया नहीं है। तो ये जो कारण देने वाली जिंदगी है, वो जिंदगी मैं आज से जीऊँगा नहीं, मैं एक ही जिंदगी जीऊँगा कि भाई मैंने जो बोला वो करूँगा। तो आप देखो पूरी एक्शन की लिस्ट बनाओ, जहाँ जहाँ एक्शंस आपने टाल दिया था, जहाँ जहाँ आपने एक्शंस लिया नहीं था, वो एक्शंस आने वाले अभी एक हफ्ते में लेने के हैं, और बिल्कुल रुकने का नहीं है, कुछ कारण देने का नहीं है। जो आपका कमिटमेंट है कि ये पूरा करना है, और वो यदि कर सकते हैं ये कृति करके, तो वो हम कृति करेंगे और वो पूरा करेंगे। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, फिर लोग बोलते हैं कि यार क्या फ़ायदा सब ये करने का, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, मैं स्ट्रेट बात बोलूँ तो भी कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये सब ऐसा करने से क्या होने वाला है? आपको पता है कि आप एक नाराज़गी का लाइफ जी रहे हैं, नाराज़गी की ज़िंदगी जी रहे हैं, एक रिजाइन लाइफ है, एक बे, बे एक एक भगवान के भरोसे छोड़ दी हुई जिंदगी है। हमको ऐसी जिंदगी जीने की नहीं है, हमको ऐसी नाराजगी की जिंदगी जीने की नहीं है, हमको ऐसी भगवान भरोसे या कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी जिंदगी हमको जीने की नहीं है। हमको ऐसी जिंदगी जीने की है कि वहाँ सब कुछ मैं कर सकता हूँ, सब कुछ संभव है, और मैं वो करूँगा क्योंकि मैंने जबान दे के रखी है। इस तरह से आप जिंदगी जियेंगे, देखिए एक असामान्य जिंदगी आपके सामने खुल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।